हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 9 फरवरी 2020 का संडे का बिजनेस स्टैंडर्ड का ओपिनियन पेज पढ़ेंगे। अच्छे आर्टिकल्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले आर्टिकल से हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम। इसमें जो रेगुलर बात होती है फार्मर की इनकम की, वो नहीं है। इसमें कुछ अलग बातें हैं कि किस तरीके से हम फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कमी कहाँ आ रही है, क्या हमने बेस रखा था, कितना हम उस जगह पहुंच गए हैं। मैंने आपको कल परसों में एक आर्टिकल बताया था थाल इकोनॉमिक्स पे, जिसमें मैंने कहा था कि फार्मर की जो इनकम है वो इसलिए भी कम है क्योंकि कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। 25-30% तक कंज्यूमर को एक थाली पे फ़ायदा हो रहा है, सस्ता खाना हमको मिल रहा है, इसका सारा बोझ हमारा फार्मर झेल रहा है। और इसकी एक वजह ये भी है कि फार्मर को वो प्राइस नहीं भी मिल पाता जो मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि बीच में कई सारे दलाल इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। इस आर्टिकल में बात हो रही है, आर्टिकल लिखा है सत्यव्रत आचार्य ने, बात हो रही है फरवरी 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा कि 2022 तक किसानों की इनकम हम डबल कर देंगे, दुगनी कर देंगे, और बेस लाइन रखी 2015-16 की इनकम। 2015-16 में किसान जो कमाता था उसको हम डबल कर देंगे 2022 तक। ये टाइमिंग जो थी, समय जो था डिक्लेरेशन का, वो काफ़ी अप्रोप्रिएट था। और जब उस टाइम फार्म सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही सीवर ड्रोट 2015-16 में आई थी, धीरे धीरे फार्मर की इनकम गिरती गई, फार्मर हाउसहोल्ड्स के डेप्ट उधार बढ़ते गए, फार्मर सोसाइटीज़ की घटनाएं बढ़ती गई, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जितना है वो गिर के 18% हो चुका था, जबकि हमारे देश में 50% जो लोग हैं वो किस खेती से ही रोज़गार पाते हैं। यानी कि आप इस तरीके से जानिए कि 50% लोग देश की जीडीपी का केवल 18% को लेते हैं। सोचो, फॉर एग्जांपल यूएसए में जैसे 2% फार्मर्स हैं तो वो जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन उनको मिल जाता है। हमारे यहाँ पे काम करने वाले ज़्यादा हैं और जीडीपी कंट्रीब्यूट कम हो रहे हैं। तो ये जो टारगेट सेट किया गया था सरकार के द्वारा, ये काफ़ी ज़रूरी भी था और एम्बिशियस भी था, जिसमें कहा गया था 2016 से इनकम आपको 2022 तक डबल करनी है तो 10% की ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे हर साल लेके चलनी पड़ेगी। आज 2020 है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 आया है, और जिस तरीके से 5 सालों में इकोनॉमिक सर्वेज आए हैं ये पता चला है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के मुताबिक 5 सालों में जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की, और जो एलीड सेक्टर्स है जैसे लाइव स्टॉक, फिशरीज़, इनकी ग्रोथ 2.9% तक ही है। हालांकि मैं इसमें फिशरी, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ को नहीं जोड़ना चाहूँगा, डेयरी सेक्टर को नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि डेयरी सेक्टर में ग्रोथ जो है 10% की है। लेकिन आप एवरेज एनुअल ग्रोथ देखें, एवरेज, तो यहाँ पे 2.9% ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की है, जबकि ज़रूरत हमें कितनी है 10% की। अगर हम 2016 से 10% की ग्रोथ रेट लेके चलते तो 2022 तक हम इनकम डबल कर देते, परंतु हमारी ग्रोथ रेट 2.9% है, तो अब हमको 10% से ज़्यादा 12-15% में इस 3 साल में 2020-21-22 में करना पड़ेगा, तब जाके हम इस टारगेट के करीब पहुंच सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज़ हैं, जो काम हो रहे हैं ग्राउंड पे, वो इनएडिक्वेट हैं, वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि फार्म सेक्टर में ग्रोथ ला सके। ये कंट्री तब से इस बजट का इंतज़ार कर रही थी कि इस बजट में कुछ होगा, बजट भी आ गया, बजट में करीब 2,83,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फिशरीज़ और इरीगेशन के लिए, और कुछ पैसा जो है यहाँ पे इंक्रीज किया गया, पिछले साल से इंक्रीज है। लेकिन रूरल जो डिस्ट्रेस है, किसानों की समस्या देखते हुए, किसानों की स्थिति देखते हुए, इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा अलोकेट करना चाहिए था। अब फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठे कि आपने क्यों नहीं किया, तो इन्होंने 16 पॉइंट एजेंडा बताया कि ग्रोथ प्रमोट करने के लिए 16 पॉइंट एजेंडा हमारे पास है और हम क्या करना चाहते हैं, मार्केट को लिंक करना चाहते हैं फार्मर से। फार्मर जब खेती करता है तो जब वो प्रोडक्शन करता है उसके बाद वो किसी इंटरमीडियरी को देता है, इंटरमीडियरी 2-3 गुना दाम में जाके मार्केट में बेचता है। आज आप जो खा रहे हो घर में वो कीमत किसानों को नहीं मिलेगी, वो कई इंटरमीडियरी से गुजर के गई होगी, तब जाके एक बहुत छोटा दाम किसान को मिला हुआ, उसकी मेहनत का फल उसको आज भी नहीं मिल पाता है।
और सप्लाई चेन से इसलिए इसको जोड़ना पड़ेगा। सरकार ने कई प्रयास किए ई नाम मार्केट भी लाने की कोशिश की और लेकिन अभी इसका इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ। राज्यों को कहा गया कि आप मॉडल एग्रीकल्चर लॉज अडेप्ट करो, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट फेमस कर दो और उस डिस्ट्रिक्ट को उस प्रोडक्ट के नाम से फेमस कर दो, जैसे कि जी आई टैग होता है। वेयर हाउसेस की जियो टैगिंग की बात की गई और बजट में तो देखो, वैसे बजट में प्रावधान तो है, कृषि उड़ान, कृषि रेल, किसान रेल, किसान रेल के अंदर रेल से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, खास करके मिल्क को भी ट्रांसपोर्ट करने का प्रावधान है, कोल्ड स्टोरेज बनाई जाएंगी ना ट्रेन में। भाई होता क्या कि ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते वरना प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए आपके, ये ख़राब हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता थी, फुल्ली इक्विप्ड। ये अब रेल में, रेल किसान रेल और किसान कृषि उड़ान, यानी अब हवाई जहाज से भी हम मिल्क को, प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आइडिया इस बार बजट में निकल के आया था, कृषि उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा चलाया जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटीज़ बन के आ रही है कि कहीं ना कहीं फोकस जो है यही होना चाहिए कि किसानों की इनकम डबल करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठता है, क्या किसान हमारे तैयार हैं? क्या वो सप्लाई चेन से जुड़ सकते हैं? आज हमारे देश में हंगर इतनी ज़्यादा है, 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, 20 करोड़ बच्चे, हंगर इंडेक्स में रैंक गिर रही है, क्यों? प्रोडक्शन कम कर रहे हैं इस वजह से? नहीं, प्रोडक्शन तो एक लो प्रोडक्शन तो एक वजह है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हम। ट्रांसपोर्ट के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस की व्यवस्था बजट में कर दी गई है। तो एक चीज़ जो हमने सोल्व कर दी, दूसरी चीज़ जो अभी बाकी है वो ये है कि किसानों को सप्लाई चेन के लिए सूटेबल बनाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या किसान सूटेबल नहीं है? 90% हमारे जो किसान हैं वो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, 10% बड़े बड़े किसान हैं जो लोन लेके आराम से अपना जो है कमाई करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90% हमारे किसान स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, उनमें से भी आधे है, 90% में से भी आधे सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन प्लेचू पे रहते हैं, गाँव में, मतलब बहुत ही दूर दराज इलाकों में खेती करते हैं, वहाँ उनके पास बिजली नहीं होती, पावर नहीं होता, इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं होती, मोनोक्रॉपिंग की प्रैक्टिस वो अपनाते हैं, एक ज़मीन पे, पूरी ज़मीन पे वो एक ही फसल उगाते हैं, तो इनको पैसा नहीं मिलता। और जो किसान जो फसल उगाते हैं वो मानसून पे निर्धारित होती है, मानसून आता है जाता है पता ही नहीं चलता, बारिश आ रही है जा रही है, फसल ख़राब, लोकस्ट, अभी तो लोकस्ट स्वाम का भी कहर फैल रहा है, जो आपके टिड्डे होते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है इन जगहों पे, क्योंकि ये बेचने की भी कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्शन को, तो बीच में कई तरह के इंटरमीडियरी आते हैं, सारा पैसा वो खा जाते हैं। वैसे मैं अगर 10 रुपये में मेरी एक किलो मान लो मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ और मैं इसको 1 टन 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट, मेरे पास, मैं किसान हूँ तो मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं डायरेक्ट अपने कस्टमर को जाके बेच दूँ मार्केट में, मैं इंटरमीडियरी के पास जाऊँगा, मैं गोदामों में जाऊँगा जो आपकी मंडियाँ होती हैं, वहाँ पर जाके किसानों, वहाँ पर जाके जो दुकान वाले होते हैं उनको बोलूँगा, तो वो चीज़ 20 रुपये में जाके ग्राहकों को बेचेंगे, तो वो 20 रुपये मुझे मिलने थे ना, वो अगर मैं डायरेक्ट किसान होता और मैं बेच पाता तो वो 20 रुपये मुझे मिलते, मुझे मोटिवेशन मिलता, मुझे पैसा मिलता, मैं और प्रोडक्शन बढ़ाता, इन्वेस्टमेंट करता। ये सबसे बड़ी वजह है कि फार्मर आज डिस्ट्रिक्ट में क्यों है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी इस वजह से भी लो है क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस जो है वो नहीं मिल पा रहा। सत्य जो बात है, हकीकत जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट करती सप्लाई चेन से, मार्केट फोकस्ड अप्रोच से। यानी कि अगर हम पूरी तरीके से सप्लाई चेन और मार्केट पे फोकस करके चलेंगे तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो लो प्रोडक्शन है वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो आपने किसानों को मार्केट से मिला भी दिया, लेकिन किसान का जो इरीगेशन की फैसिलिटी अगर वही नहीं होगी तो फिर वो प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा। आज हमारे रेनफेड फार्मर्स जो लार्ज मेजोरिटी में है, जो पूरी बारिश पे डिपेंड रहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, वो सप्लाई चेन से कैसे जुड़े, वो रेडी नहीं है, वो यार उनके पास इनकम ही नहीं है। सप्लाई चेन में इंक्लूजन उनका कैसे हो? सबसे पहले उनको सोयल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन में करना पड़ेगा, एग्रो इकोनॉमिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इरीगेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और मार्केट का डिमांड मैच कर सकते हैं। 52% जो हमारे कल्टीवेटेड लैंड एरिया है उनमें इरीगेशन नहीं है, और अलग से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो 3 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इरीगेशन फैसिलिटी के लिए, और इतना जो है बजट में है नहीं जितना करना चाहिए। तो इस साल भी बजट फार्म सेक्टर के लिए इतना पैसा लाया नहीं है। तो हमने बात की उन लोगों की, उन किसानों की जो सेंट्रल और ईस्टर्न प्लेटू में रहते हैं, गाँव के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर इरीगेशन पावर कुछ भी नहीं होता।
एक और आधा तबका है किसानों का, स्मॉल होल्डर फार्मर सेगमेंट का, जो कि रिवर बेसिन एरियाज के पास में रहता है, जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से हाई टेक्नोलॉजी इक्विप्ड तरीके से करते हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पॉपुलेशन का पड़ रहा है, उनके पास ज़मीन नहीं है। जैसे गांव में अगर जो किसान, उसके पास एकड़ों में आपको ज़मीन दिख जाएगी, आप नज़र घुमाओगे जहाँ तक उस किसान की ज़मीन, लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। शहर में जाओगे जो किसान है, उसके पास ज़मीन छोटी है, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से कर रहा है लेकिन ज़मीन छोटी है, तो उसको भी उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे शहर वाले मॉडर्न जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल लैंड पार्सल्स पे काम कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है लेकिन उनको इतना सफिशिएंट इनकम नहीं मिल पाता, क्योंकि ज़मीन तो अभी भी छोटी है ना। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, ज़मीन कहाँ से बढ़ाओगे, और क्रॉप प्रोडक्शन तो ऐसे थोड़ी कि एक दिन इतना हुआ अगले दिन डबल हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत क्या है, तो मेजर चैलेंज हमारा ये नहीं है कि किसानों की इनकम कर देंगे 2022 तक डबल, ये चैलेंज थोड़ी है। चैलेंज ये है कि हम उनको किस तरीके से सप्लाई चेन में जोड़ सकते हैं, सप्लाई चेन के लिए रेडी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसान अगर प्रोडक्शन बढ़ाना भी चाहे, मान लो वो सेविंग कर लेता है, सेविंग कर करके वो खूब सारे पैसे जमा कर लेता है, मान लो किसान मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजता, कंजूसी करता है, और वो इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा देता है कि अब जो है वो मार्केट से जुड़ सकता है, उसको इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना वो कॉस्ट लगाया, क्या वो मार्केट से वो पैसा मिल जाएगा उसको वापस इतना? नहीं। ये जो कॉस्ट है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो आप वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इतना, जैसे मैं अगर 100 चीज़ बना रहा हूँ 10 रुपये में, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अगर 1000 चीज़ बनाऊँ तो वो कॉस्ट जो है कम हो जाएगी उसके मुकाबले। जैसे मैं अगर 100 चीज़ 10 रुपये की बना रहा हूँ तो 200 चीज़ जो है वो हो सकता है 5 रुपये की बने, 300 चीज़ जो है वो 2 रुपये, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितना प्रोडक्शन आप बढ़ाते रहेंगे उस हिसाब से रेस्पेक्टिवली जो रेशियो है वो कम होता जाएगा। लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या किसानों के पास इतना पैसा है भी, तो क्या वो पैसा उनको लौट के आ सकता है वो वापस? आज जो मॉडल है ना हमारा, वो बड़े फार्मर के लिए हैं, बड़े बड़े किसानों के लिए हैं, जो केवल 10% है। मैंने कहा था ना कि 90% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनमें से भी आधे तो दूर दराज इलाकों में, आधे शहरों में, और प्रॉब्लम दोनों को है, एक के पास ज़मीन है प्रोडक्शन नहीं है, एक के पास प्रोडक्शन है ज़मीन नहीं है। 10% जो बचे वो अमीर जो हैं उनके लिए सब कुछ है, मतलब 25% जो हमारे फार्मर्स हैं। अब देखो 10% हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है बड़ी है, बाकी अगर मैं 25% फार्मर्स की बात करूँ स्मॉल होल्डर सेगमेंट से आते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं, और बाकी आप ऐसे मान लो कि एस्टिमेट तरीके से कि 30% फार्मर्स हैं जो उस बजट का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो लोग शहर में रहते हैं किसान उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो 30% ही है। अब सरकार जो है कई स्कीम्स भी लाई है, तो इनका बेनिफिट भी इन किसानों को मिल जाता है, चीपर क्रेडिट का, MSPs का। तो ये जो मॉडल है, ये जो स्कीम्स हैं, ये केवल 30% किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, और लेकिन ये नंबर जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि गांव में जो दूर दराज इलाकों में, ईस्टर्न प्लेट्यू में, सेंट्रल प्लेट्यू में जो किसान है उनको उनके लिए वहाँ पे उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। वो लार्ज मेजोरिटी जो फार्मर्स हैं वो इस मॉडल से बाहर निकल गए हैं, और कुछ ही फार्मर्स हैं जो इस ग्रोथ पे चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि ग्रोथ रेट जो 12-15% के हमको फार्म और एलीड सेक्टर में चाहिए, क्या हम वो कर सकते हैं, क्या हम उसे अटेन कर सकते हैं? आज जो हमारा देश है इतना डाइवर्स है, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, इसमें वन साइज फिट्स ऑल डिज़ाइन नहीं हो सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक जो है टेक्नोलॉजी आप सारे किसानों के हाथ में पकड़ा दो तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। नहीं, हमारी ज्योग्राफी अलग है, सोयल अलग है, टेरेन अलग है, एजुकेशन हर लेवल पर अलग है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी किसान के पास काफ़ी कम है, किसी में किसी को इरिगेशन व्यवस्था ढंग से मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, कि किसी जगह पानी ज़्यादा है, किसी जगह पानी कम है। तो वन साइज फिट्स ऑल डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमको डिफरेंट अप्रोचेस लानी पड़ेगी, डिफरेंट मॉडल्स लाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सारे किसानों को साथ में लाना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकार अगर साथ दे तो कुछ हो सकता है, राज्य सरकार जब तक अवेयर नहीं है, जब तक इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट्स हैं राज्य में, उनमें पैसा नहीं है, वो इतना कुछ कर नहीं सकते, डिफरेंट मॉडल्स तो बना ही नहीं सकते, डिफरेंट क्या, वो एक मॉडल को डिलीवर नहीं कर सकते। तो आज आखिरकार ये जो बात निकल के आई कि फार्मर की इनकम हम 6 साल में डबल करने की बात कह रहे थे 2016 से 2022 तक, उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट सिस्टम चाहिए कि आखिर जो स्कीम्स, जो इंटरवेंशंस, जो
की जा रही है सरकार के द्वारा, क्या उनका इफेक्टिवनेस है। हमको ये, हमारे पास ये सिस्टम भी नहीं है कि हम ये कर सकें कि फार्मर की इनकम हर साल रेगुलर इंटरवल में बढ़ती जा रही है कि घट रही है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने वाला हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आज ये चीज़ें अगर हो जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि देश कितना प्रोग्रेस कर पा रहा है। कि चीज़ें आपको मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, मेंस के लिए आइडियाज़ इससे आपको आराम से मिल जाएंगे। इस आर्टिकल में बात हो रही है ब्रिंगिंग एमएसएमईज इनटू ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स जो आपका इतनी तेज़ी से सेक्टर बढ़ रहा है भारत में, रिटेल बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्लोबल और डोमेस्टिक कंटेक्स्ट में आप देखें, सारे दुकानदार जो हैं वो ऑनलाइन खुद को लिस्ट कर रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, भारत की मैं बात करूं। अब ग्राहकों को दुकान जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दुकान वाले सारा सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर कर देते हैं। आप तो बोलो क्या चाहिए आपको, सब कुछ यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। आज देश में 50 करोड़ इंटरनेट यूजर है। इंडिया का जो ई कॉमर्स सेक्टर है उसने सेकेंड हाइएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड की है, 31% की 2019 में ई कॉमर्स सेक्टर ने 31%। आप देखो, जहाँ हमारी GDP 6% है, वहाँ पे ई कॉमर्स हमारा 31% ग्रोथ लेके आ रहा है। अच्छी बात है। ई कॉमर्स इंडिया का वैल्यूएशन है $24 बिलियन के आसपास। टोटल रिटेल सेल हमारे देश में जो होती है, दुकानदार, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के, 3% उसमें ऑनलाइन होती है सेल, 3%। और पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो 10% है पूरी दुनिया की रिटेल सेल्स की ऑनलाइन से कंपेरिजन को। तो इसका मतलब हमारे पास अभी स्पेस है, अभी हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली मतलब एक होती है मोनोपोली, जिसमें एक कंपनी राज करती है। ओलिगोपोली मतलब जहाँ पे दो तीन कंपनियाँ हैं वो राज कर रही हैं। जैसे आपका ऑयल वाला जो सेक्टर हो गया, वैसे ही ई कॉमर्स वाला सेक्टर, जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कुछ ही कंपनियाँ हैं, जो 4 कंपनीज है वो राज करके चल रही हैं यहाँ पे। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है, ये कैसे काम करती है, ये क्यों कोशिश करती है कि जितने भी दुकानदार ये अपने पास ला सकते हैं, जितने भी दुकानदारों को ये अपने पास ला के अपनी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड करवा के उनसे सामान बिकवा सकते हैं, उतनी ये कोशिश करते हैं। और त्योहारों पे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट दिए हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर इंक्लूसिव मैनर में ग्रो कर रहा है? क्या आज की जो प्रैक्टिसेस हमारे देश में चल रही हैं, जो इन्वायरमेंट है, क्या वो इसकी पोटेंशियल को पूरा कर पा रहा है? पहला आंसर यहाँ पे निकल के आता है कि नहीं, इंक्लूसिव नहीं है। क्योंकि जितने भी, जैसे टोटल 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब सेलर्स रजिस्टर्ड है इंडियन जो पोर्टल्स पे, लेकिन इतना बड़ा मार्केट प्लेस केवल 15 लाख सेलर्स ही रजिस्टर्ड है, और जितने भी सेलर्स हैं वो केवल बड़े बड़े सेलर्स हैं। चलो, ये तो मैंने 1.5 मिलियन की बात कर ली, मैं कहता हूँ एक्टिव सेलर्स, कितने सेलर्स थे जिन्होंने आईडी बना ली, अपनी सब कुछ रजिस्टर कर लिया, लेकिन अभी भी दुकान ऑफलाइन ही बेच रहे हैं सामान। 15 लाख में से केवल 1 लाख एक्टिव सेलर्स हैं मार्केट प्लेस में, 1 लाख बस। चलो, दुकानों की बात कर ली, मैं बात करता हूँ एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। 6 करोड़ के आसपास एंटरप्राइजेस हैं अपनी माइक्रो स्मॉल और मीडियम रजिस्टर्ड है देश में, 6 करोड़ अलग अलग तरह की, 43 मिलियन जिसमें 4 करोड़ के आसपास तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में काम कर रही है। उन 6 करोड़ एमएसएमई में कितने ई कॉमर्स में रजिस्टर्ड हैं? नहीं है। आप ये देखो कि एडुकेटली इंटीग्रेटेड है ही नहीं एमएसएमईज इनमें। बहुत कुछ कारण हो सकते हैं इसके लिए। एक तो कि पुअर डिजिटल लिटरेसी, जो एंटरप्राइजेज हैं उनको चलाने वालों को पता ही नहीं कि किस तरीके से काम करना है, ज्योग्राफिकल रीच कम है उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उनके पास किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्टर करना है, फिर पैकेजिंग वगैरह, कई दिक्कतें आती हैं। तो ये कारण है जो कि एमएसएमईज के इस एबिलिटी को इम्पेयर कर देता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे मैं अगर एक सेलर हूँ, मैं अगर ऑनलाइन मान लो शूज़ बेचता हूँ, तो यहाँ पे वो हर एक सेल पे ये जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक फ़ी काटता है और इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा क्या? और मेरे को डिलीवरी भी करनी है, मेरे को टैक्स भी देने हैं, तो एक स्मॉल सेलर तो यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाने के बाद, बेचने के बाद इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, इतना तो वो ऑफलाइन कमा लेगा। इस वजह से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं आते,
और जब 6 करोड़ MSMEs जो हमारे देश में काम कर रही हैं, एंटरप्राइजेज जो हमारे देश में काम कर रही हैं, अगर वो ई कॉमर्स पे नहीं आएगी तो ई कॉमर्स का पोटेंशियल आगे इतना नहीं बढ़ सकता। एक कारण ये भी है कि सबसे पहले तो ई कॉमर्स सेक्टर का नेचर, क्योंकि आप ये देखोगे कि कुछ ही वेंडर्स हैं बड़े बड़े कंपनियों वाले, बहुत पैसा है जिनके पास, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो ऑनलाइन खुद को रजिस्टर करके प्रोडक्ट्स खुद को लॉस में बेच सकते हैं, वो हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और एक बार तो वो नुकसान उठा लेंगे, सारे कॉम्पिटिटर्स को आउट कर देंगे और फिर वो अपनी मर्जी से उस पर प्राइस बढ़ा लेंगे। तो ये जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाले जो वेंडर्स होते हैं, ये छोटे बिजनेसेस को चलने ही नहीं देते, कॉम्पीट करने ही नहीं देते, ठीक है। और एक चक्कर ये भी है कि इस MSMEs का जो पार्टिसिपेशन अगर ये नहीं होगा तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज इस सेक्टर को ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि MSMEs का पार्टिसिपेशन हो, स्मॉल बिजनेसेस का पार्टिसिपेशन हो इंडिया की ई कॉमर्स ग्रोथ स्टोरी में, ताकि ट्रेड बढ़े, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट। देश में क्या चाहिए आज? रोजगार चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस को अगर हम ओवरऑल वैल्यू चेन से जोड़ देंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी लोगों की, और GDP जो है चल पड़ेगी। तो ये इमीडिएट हमको आज इसमें सॉल्यूशन चाहिए ताकि इस स्थिति को हम सुधार सकें। एक सॉल्यूशन इसमें यह भी है कि आप एक यूनिवर्सल ई कॉमर्स इंटरफेस बना दो। इंटरफेस मतलब कि आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें MSMEs भी आ सके, छोटे मोटे सेलर्स भी आ सके, MSMEs एक दूसरे के साथ इंगेज कर सके, डाटा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे शेयरिंग हो, प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करें, ई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से हो, डिलीवरी अच्छी हो, दूर दराज इलाकों में हो, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ये काम करें। तो ये सारे मेजर्स हैं जो कि इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और मैनीफोल्ड तरीके से कई गुना बढ़ा सकते हैं। इंक्लूसिव भी बनाना जरूरी है। इंक्लूसिव, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितना तेज़ी से बढ़ेगा वो अच्छी बात है, लेकिन इंक्लूसिव हो, जितने ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकता है उतनी अच्छी बात है। तो ये अब देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो प्लेटफॉर्म्स वाले हैं, जो ओनर्स हैं इन प्लेटफॉर्म से, ये कितना कर पाते हैं, क्या करते हैं वो। एक आर्टिकल जो यहाँ पर ज़रूरी है वो ये भी है कि आखिर कितना जो है RBI ने कितना ग्रोथ को लेकर चलने की कोशिश की है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी RBI के हाथों में होती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथों में होती है। गवर्नमेंट बजट लाके अपना फिस्कल पॉलिसी का काम करती है और कई सारे इंटरवेंशंस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के हाथों में होती है और वो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 RBI के, और इसको चेयर करने वाले हमारे RBI के गवर्नर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है कि रेट्स कितनी होगी, रेपो रेट, बैंक रेट, आपने पढ़ा होगा बैंक रेट, जिसमें बैंक और बैंक रेट, रेपो रेट जिसमें RBI उधार देता है SBI और जैसे अलग अलग बैंक्स को, बदले में ब्याज वसूलता है, उस ब्याज की रेट जो होती है बैंक रेट रेपो रेट कहलाती है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, करीब 14 दिन के लिए होता है। रेपो रेट में कोलेट्रल नहीं लगता, बैंक रेट में कोलेट्रल लगता है। तो इस, अब मैं कहता हूँ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि रेपो रेट अगर कम होगी तो यहाँ पे लोन चीपर हो जाएंगे और कस्टमर्स के लिए, क्योंकि RBI जो लोन देगा और बैंक को, और फिर जो वो बैंक ब्याज चुकाएंगे RBI को, तो रेपो रेट अगर कम होगी तो कम ब्याज चुकाना पड़ेगा, पैसा बचेगा बैंकों के पास, तो वो अपने कस्टमर्स को भी अच्छे तरीके से लोन कम इंटरेस्ट में ऑफर कर पाएंगे और मार्केट में पैसा जाएगा, लोन क्रेडिट की सप्लाई बढ़ेगी। इसलिए रेट सस्ती होगी तो लोन भी सस्ते होंगे और सस्ते करना ज़रूरी है। अब एक डिसएडवांटेज इस चीज़ का ये है कि अगर ज़्यादा लोन आपने सस्ते कर दिए, लोग भर भर के अगर लोन ले गए, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई अगर पैसों की बढ़ गई तो यहाँ पे चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो हायर इन्फ्लेशन ने किसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के हाथ बांध रखे थे कि आप अब कट नहीं कर सकते, लोन देना ज़रूरी है, ग्रोथ GDP बढ़ानी जरूर, ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोन वगैरह की क्रेडिट की सप्लाई होनी ज़रूरी है, लेकिन इससे इन्फ्लेशन के भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन 7.33% तक बढ़ गई थी, इस वजह से एक डर फैला था कि अब हम रेट कट नहीं कर सकते। मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिस तरीके से RBI डील कर सकती है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन RBI और भी तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ बांधे थे,
आरबीआई की थोड़ी भांति थी। तो आरबीआई ने एक ऐसा एक्शंस लिए कल मॉनेटरी कि यहाँ पे इसको दूसरा बजट कहा जा रहा है कि ये दूसरा बजट है, और काफ़ी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि आरबीआई ऐसा कर देगा। आरबीआई ने कोशिश की कि सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, अब 1,00,000 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म रेपोस के नाम पे भी दिए जाए, जिसमें 1 साल और 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म रेपो दी जाएगी। अब तक 14 दिन के लिए थी ना, अब रेपो रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाएगा 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब रेपो रेट में फ़ायदा क्या है, कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, तो जित बैंक अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट कम भी है ना, रेपो रेट अभी 5.15 है जितना मुझे याद है, तो 5.15 है, तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए मिलता था, अब लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक वाले लोन लेंगे, और बैंक जो ज़्यादा लोन लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेपो रेट पे काम करेगा, उतना ज़्यादा कस्टमर्स को अपने लोन ऑफर करने की कोशिश करेगा। SBI वगैरह ये सब जो है फिर अपने कस्टमर्स को कम ब्याज में लोन देंगे, और इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे पैसे की सप्लाई इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि अब NBFC का क्राइसिस है, इसको भी एक तरीके से देखा जा रहा है कि अगर बोरोइंग की कॉस्ट घट जाती है तो NBFC का क्राइसिस भी सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज़ RBI ने ये की, आपको पता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व में क्या रखना है, कैश किस चीज़ के रेशियो के, जो यहाँ पे लोन देते हैं बैंक वाले उनको अपना कुछ रिजर्व कैश के रूप में रखना पड़ता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे कोई दिक्कत आ जाए तो उस रिजर्व से काम हो जाए। 4% है जहाँ तक मुझे पता है अभी कैश रिजर्व रेशियो। RBI ने ये कहा कि आप जो लोन देते हो उसका जो कैश रिजर्व रेशियो बनाते हो, जुलाई तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक आप ऑटो सेक्टर को, रियल इस्टेट को और MSMEs को जो लोन दोगे उनका कैश रिजर्व रेशियो मत बनाना। RBI कैश रिजर्व रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे कहता है 4% के करीब बैंकों को, लेकिन ऑटो, रियल इस्टेट और MSMEs में 5 महीने तक अगर लोन जाएगा तो उसका कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को नहीं देना पड़ेगा। बैंकों पे प्रेशर हल्का होगा कैश रिजर्व रेशियो का, क्योंकि अगर वो रिजर्व नहीं बनाएंगे तो पैसा उनके पास रहेगा और वो पैसा फर्दर जो है वो लोन में दे सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग भी यहाँ पे घट सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो काफ़ी की है अच्छे तरीके से यहाँ पे माना जा रहा है, दूसरा बजट इसको बोला जा रहा है, तो RBI ने प्रूव कर दिया कि RBI देश की ग्रोथ के प्रति कमिटेड है। और भी मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कमर्शियल स्टेट अभी लेने बाकी हैं, जैसे कमर्शियल स्टेट में स्ट्रेस को ठीक करना, MSMEs की अगर यहाँ पे देखा जाए, MSMEs और ऑटो और रियल इस्टेट सेक्टर को ध्यान दिया RBI ने, काफ़ी अच्छी बात है कि वो जानती है कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन कुछ ही सेक्टर्स को यहाँ पे क्रेडिट दिया गया, इस पर थोड़ी आपत्ति हो रही है, प्रश्न खड़े हो रहे हैं। खैर देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। आज के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ध्यान रखना, बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल पेज था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।